नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जब मैं पहली बार क्लास करने के लिए जाता हूँ ना कहीं पे भी, तो बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका नंबर रख लेता हूँ और फ़ोन करके बार बार पूछते रहता हूँ कि सर क्लास करने के लिए परमिशन दे दीजिए, तो उधर से जवाब आता है टाइम नहीं है। फिर एक सप्ताह के बाद मैसेज करता हूँ सर 5 मिनट दे दीजिए, तो फिर से रिप्लाई आता है टाइम नहीं है बाद में करेंगे। फिर 2 सप्ताह के बाद मुझे याद आता है तो फिर से मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ, तो बोलते भाई टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सो जब टाइम होगा बता देंगे, हम आपको फ़ोन कर देंगे। और इस तरह का फ़ोन तो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आया। फिर मैं ऐसे नंबर को 2-3 महीने के लिए छोड़ देता हूँ। 2-3 महीने के बाद फिर से फ़ोन किया कि सर इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मौका दे ही दीजिए ना सर 5 मिनट का। फिर सर कहते हैं हाँ तुम फ़ोन तो बहुत दिन से कर रहे हो, लेकिन क्या बताएं सच में टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, समझते क्यों नहीं हो यार। फिर मैंने उनको कहा कि सर आप एक सिगरेट जलाइए और सिगरेट जलने तक मैं लेक्चर करूंगा, उसके बाद वापस चला जाऊंगा। फिर सर ने कहा ऐसा बात है तो अभी आ जाओ, और मैं भी 10 मिनट के अंदर उनके पास पहुंच गया। मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्टर है, टेबलेट है, उससे कनेक्ट करके बताना मैंने शुरू किया। बताते बताते लगभग 4-5 मिनट बीत चुका था। मैंने कहा सर आपका सिगरेट खत्म हो चुका है और मेरा क्लास भी खत्म हो चुका है। फिर सर कहते हैं राजू इतना लज्जित मत करो यार, कंटिन्यू करो, बताते रहो। पूरे 1 घंटा का क्लास चला था वो। 1 घंटे के बाद सर कहते हैं कि राजू मैं 2000 का SIP चला रहा हूँ और अब मेरा 25000 का चेक लो और 25000 का SIP शुरू करो। यार करने का SIP तो हम कितना भी कर सकते थे, पर जिस तरह से आपने बताया ऐसा किसी ने बताया ही नहीं, नहीं तो पैसे तो हमारे पास पड़े हुए हैं। इस तरह से पता होता 10 साल पहले तो हम 25000 का SIP तो कभी भी चला सकते थे। तो उन्होंने उस समय 25000 का SIP शुरू किया। वहां पे 3 ऑफिसर बैठे हुए थे, तीनों ऑफिसर ने 25000 का SIP शुरू किया और आज लगभग तीनों ऑफिसर का 40 से 50000 का SIP चल रहा है। उनमें से एक ऑफिसर कहते हैं राजू जी आप कुछ भी नहीं खरीदते हैं सिवाय म्यूचुअल फंड के। मैंने कहा जी सर मैं कुछ भी नहीं खरीदता हूँ सिवाय म्यूचुअल फंड के, ना मैंने प्लॉट खरीदा है, ना मैंने फ्लैट खरीदा है, ना मैंने सोने में इन्वेस्ट किया है। जहां बात इन्वेस्टमेंट का होता है मैं सिवाय म्यूचुअल फंड के और पैसा कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं, और ये प्रण भी किया हूँ जिंदगी में कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा मैं कहीं जिंदगी में पैसा नहीं लगाऊंगा। आपको छोटा सा वो कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि वो तीनों ऑफिसर अपने जिंदगी में क्या सोचते हैं कि 40000 का SIP उन्होंने शुरुआत कर दिया। उनका फोन आया था, उन्होंने कहा राजू मैं 20 साल SIP चलाना चाहता हूँ, तो 40000 रुपए पर मंथ 20 साल के लिए उनका कहना है कि मैं 16% एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से, क्योंकि मार्केट ने 16% का रिटर्न दिया है पिछले 42 साल से, तो आने वाले 20 साल तक मैं 16% एक्सपेक्ट करूँ तो जमा करूंगा मैं 96 लाख रुपया SIP के थ्रू। 40000 रुपए पर मंथ जमा किया, 20 साल के लिए जमा किया, 96 लाख रुपया जमा होगा हमारा और 16% के रेट से 6,99,00,000 रुपया बनेगा। ये पैसा उन्हीं के जिंदगी में हो सकता है जो इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे। जो व्यक्ति कैलकुलेट नहीं करेंगे उनके जिंदगी में उतना ही पैसा आएगा जितना आप कमा रहे हैं, लेकिन आपको यदि पैसा बनाना है, कमाना नहीं है बनाना है, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में वेल फंड मीटिंग में आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए दिए हुए लिंक में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। आप मिनिमम म्यूचुअल फंड में 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़े फिर आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।